हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई सीरीज मॉडर्न लव हैदराबाद। इस सीरीज में 6 स्टोरीज हैं, जिनमें की 3 स्टोरीज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी स्टार्ट होती है नूरी नाम की लड़की से, जिसके घुटनों की सर्जरी चल रही थी। तभी नूरी को अपना फ्लैशबैक याद आने लगता है। एक्चुअली कुछ सालों पहले नूरी अपने घर वालों से लड़कर घर छोड़कर आ गई थी, क्योंकि उसे एक लड़के से प्यार हो गया था जो दूसरी कास्ट से बिलोंग करता था। लेकिन उसकी शादी के लिए उसकी माँ तैयार नहीं थी, इसलिए वो नूरी से कहती है कि अगर उसे उसके साथ शादी करनी है तो वो घर छोड़कर चली जाए। जिसके बाद नूरी अपने पापा और भाई से कहती है कि वो माँ को मना ले, लेकिन वो दोनों भी कोई बात नहीं करते, इसलिए नूरी को घर छोड़कर आना पड़ता है। और आज नूरी का ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन के बाद नूरी अपने घर वापस आ जाती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आती है, क्योंकि नूरी का अभी अभी ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वो उसे देखने आई थी। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि दोनों ने ही एक दूसरे को अभी भी माफ नहीं किया, इसलिए वो जब चाहे तब एक दूसरे को टॉन्ट मारती रहती है। नूरी और उसकी माँ बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है। और ये सुनकर दोनों ही काफी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो दोनों ही ज्यादा दिनों तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती थी। जब उसकी माँ को पता चलता है कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो वो सामान खरीदने के लिए जाती है। नूरी के घर के बाहर ही एक टैक्सी वाला रुका था, जिसके साथ नूरी की माँ चली जाती है। उस टैक्सी वाले का नाम हुसैन था और दोनों में अच्छी बातचीत होती है। जब वो वापस आती है तो बहुत सारा सामान लेकर आई थी। नूरी की माँ को खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, वो सबके लिए बहुत प्यार से खाना बनाया करती थी। आज काफी सालों बाद नूरी जब अपने माँ के हाथ का खाना खाती है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। नूरी को इमोशनल होता हुआ देखकर उसकी माँ उसे टॉन्ट मारती है कि वो 6 सालों से उनसे मिलने नहीं आई, जिस पर नूरी कहती है कि वो अपने माँ की वजह से ही घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन फिर भी नूरी उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने कभी उसके लिए दरवाजा खोला ही नहीं। यहाँ तक कि जब नूरी के पापा की डेथ हो गई, तब भी उसकी माँ ने उससे मिलने नहीं दिया, इसलिए नूरी अपनी माँ से बहुत ज्यादा नाराज थी। ये बातें सुनकर नूरी की माँ भी कुछ नहीं कह पाती, लेकिन उनका खाना बनाना चालू रहता है। यहाँ पर कोरोना बढ़ रहा था, लेकिन नूरी की माँ का कहना था कि इंडियंस की इम्यूनिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, इसलिए अगर वो अच्छे से खाना खाएंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। इसलिए नूरी की माँ खुद के साथ साथ हुसैन को भी खाना दिया करती थी, और हुसैन से बाहर से कोई भी सामान मंगाना हो तो मंगा लिया करती थी। एक दिन जब नूरी ड्रेसिंग कर रही थी तो खून देखकर उसे काफी डर लग रहा था। तभी वहां पर उसकी माँ आती है और उसका ड्रेसिंग कर देती है। अब वो दोनों काफी दिनों से साथ थे तो उनमें बातचीत होने लगी थी, और बातचीत के साथ साथ उनके गिले शिकवे भी दूर हो रहे थे। एक रात जब नूरी सो रही थी, तभी उसके पास उसकी माँ आती है, क्योंकि उन्हें अकेले में सोने से डर लग रहा था, इसलिए वो नूरी के पास आती है और दोनों साथ में सो जाते हैं। सोते वक्त वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें करने लगते हैं। नूरी की माँ बताती है कि जब नूरी के पापा की डेथ हुई थी तो 4 महीनों तक वो सो नहीं पाई थी, क्योंकि उन्हें अकेले सोने की आदत नहीं थी, इसलिए वो उसके पापा को हमेशा मिस करती। जिसके बाद नूरी की माँ पूछती है कि नूरी अपने हस्बैंड से अलग क्यों हो गई, जिस पर नूरी का कहना था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा लगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए शायद सही नहीं है। हालांकि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, लेकिन उन दोनों का रिश्ता इतना अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उन दोनों ने डिवोर्स लेने का डिसाइड किया। नूरी कहती है कि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा था, इसलिए तो उसने नूरी को अपना घर दे दिया था। ऐसे ही दोनों में काफी इमोशनल बातें होती हैं और दोनों एक दूसरे को समझने लगती हैं। नूरी की माँ भी समझ गई थी कि नूरी को अपने हिसाब से जीने का हक है, तो वही नूरी भी अपनी माँ की चिंता को समझ रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन नूरी के पापा का बर्थडे था, इसलिए नूरी की माँ उनके लिए उनकी फेवरेट डिश बनाती है। नूरी की माँ रो रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि उनके बर्थडे के दिन नूरी की माँ उनके साथ नहीं थी। नूरी की माँ कहती है कि पता नहीं वो जन्नत में उन्हें मिस भी करते होंगे या नहीं। जिसके बाद नूरी की माँ एक टिफिन पैक करती है। नूरी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ कहाँ जाना चाहती है, लेकिन वो नूरी से कहती है कि उसे उसके साथ आना होगा। जिसके बाद वो नूरी को लेकर 4 मीनार के पास जाती है। वहां पर अब लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी वो दोनों छुपते छुपाते पहुंच जाते हैं, और 4 मीनार को देखते हुए नूरी के पापा की फेवरेट डिश खाने लगते हैं। एक्चुअली ये नूरी के पापा का सपना था कि वो सभी लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर आकर कुछ खाएंगे। जब उनकी शादी हुई थी, तभी वो पहली बार नूरी की माँ को यहीं पर लेकर आए थे। और यहीं पर हमारी पहली स्टोरी एंड होती है। दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है रेनू नाम की लड़की से, जो मंदिर में गई थी।
जब वो मंदिर से बाहर आ रही थी तभी उसे पता चलता है कि उसकी चप्पल चोरी हो चुकी है। ऐसा रेनु के साथ पहले भी हो चुका था। इसलिए रेनु गुस्से में नीचे आ रही थी तभी एक नारियल का टुकड़ा उसे लग जाता है। उसके पैर में से खून आ रहा था, जिसे देखकर रेनु बेहोशी होने वाली थी कि तभी वहां पर उदय नाम का लड़का आता है और उसे पकड़ लेता है। वो रेनु के पैर का ड्रेसिंग करता है, जिसे देखकर रेनु काफी इंप्रेस हो गई थी। उदय बताता है कि वो जानवरों का डॉक्टर है। आज ही उसने अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट किया है, इसलिए आशीर्वाद लेने के लिए वो मंदिर आया था। जिसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ती है और हम रेनु को देखते हैं जो उदय के साथ लिविंग में रह रही थी। रेनु एक कार्टून आर्टिस्ट थी और उसे कुछ पेपर्स की जरूरत थी। जब वो कबर्स में पेपर्स ढूंढने लगती है तो उसे एक पर्पल हिल्स मिल जाते हैं। हिल्स देखकर रेनु को थोड़ा डाउट आता है, क्योंकि उसे वो हिल्स उदय के पुराने कपड़ों में मिले थे। उसे लग रहा था कि शायद ये हिल्स उदय की एक्स गर्लफ्रेंड अनु के होंगे, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उदय ने इन हिल्स को संभाल कर क्यों रखा है। इसलिए वो बार बार इसी बारे में सोचे जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो उदय को कॉल करके पूछे, लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि जब उदय घर पर आएगा तभी वो उसे इस बारे में पूछेगी। जब शाम को उदय घर आता है तो रेनु ने उन हिल्स को टिपॉय पर ही रखा था ताकि उदय की नज़र उन हिल्स पर पड़े, लेकिन उदय उन हिल्स को देखता ही नहीं और सो जाता है। रेनु समझ नहीं पा रही थी कि उदय जानबूझकर उन हिल्स को इग्नोर कर रहा है या सच में उसने नहीं देखा। अगले दिन जब उदय उठता है तो वो कॉफ़ी बनाने के लिए जाता है, लेकिन रेनु कहती है कि वो खुद उसके लिए कॉफ़ी बनाएगी। जिसके बाद रेनु ट्रे में कॉफ़ी के साथ हिल्स भी रख देती है, लेकिन उदय सिर्फ कॉफ़ी लेता है और हिल्स की तरफ देखता ही नहीं। अब रेनु गुस्सा हो जाती है और उदय को उन हिल्स के बारे में पूछने लगती है, लेकिन उदय कहता है कि उसे वो सैंडल्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। लेकिन रेनु उसे याद दिलाती है कि ये सैंडल्स उसके नहीं बल्कि उदय के कबर्ड में उसे मिले थे, जिस पर उदय कहता है कि शायद ये सैंडल्स उसके एक्स गर्लफ्रेंड अनु के होंगे। ये सुनने के बाद रेनु और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उदय से पूछती है कि उसने सैंडल्स को आज तक संभल कर क्यों रखा है, जिस पर उदय कहता है कि उसे पता नहीं, बस उसने रख दिया। लेकिन रेनु चाहती है कि उदय उन सैंडल्स को फेंक दे, जिस पर उदय कहता है कि वो खुद ही इन्हें फेंक सकती है। ये बोलकर उदय वहां से चला जाता है, लेकिन रेनु को लग रहा था कि उदय को खुद उन सैंडल्स को फेंक देना चाहिए। इसलिए रेनु जानबूझकर उन सैंडल्स को ऐसी जगह रखती है जहां रोज उदय की नजर पड़े। वो बस देखना चाहती थी कि उदय उन सैंडल्स को फेंकता है या नहीं, लेकिन उदय उन सैंडल्स की तरफ ध्यान ही नहीं देता। ऐसे 14 दिन बीत जाते हैं और रेनु काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे लग रहा था कि उदय शायद अभी भी अनु को मिस करता है, और ये सब सोचकर रेनु को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इस बारे में अपने फ्रेंड से बात करती है तो उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि वो ओवरथिंक कर रही है, लेकिन रेनु किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। रेनु डिसाइड करती है कि वो अपने भी एक्स की कोई चीज ऐसे ही रख देगी जिससे उदय को तकलीफ होगी। लेकिन रेनु को याद आता है कि ब्रेकअप के बाद उसने अपनी एक्स की सारी चीजें जला दी थी, लेकिन रेनु डिसाइड करती है कि वो अपने एक्स के घर जाकर उसकी कोई चीज लेकर आएगी। इसलिए रेनु उसके एक्स राहुल के घर जाती है। राहुल तो घर पर नहीं था, लेकिन राहुल की वाइफ और 2 बच्चे थे। रेनु उससे कहती है कि उसे वॉशरूम यूज करना है, ये कहकर वो उसके रूम में जाती है। वहां से रेनु राहुल का एक टी शर्ट ले रही थी, लेकिन राहुल का बेटा देख लेता है और उसकी वाइफ समझ जाती है कि यहाँ पर रेनु कुछ चुराने के लिए आई थी। इसलिए वो रेनु को समझाती है कि वो अब राहुल को भूल जाए, साथ ही वो राहुल का टी शर्ट भी वही रख कर जाने के लिए कहती है। रेनु इस बात से काफी परेशान थी, लेकिन जब वो घर जाती है तो उदय ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। एक्चुअली आज उन दोनों को मिलकर 2 साल हो गए थे, इसलिए उदय केक लेकर आया था। रेनु भी ये देखकर काफी खुश होती है। तभी उदय कहता है कि उसने वो नारियल का छिलका भी संभल कर रखा है, जिसकी वजह से रेनु उसकी लाइफ में आई थी। उदय कहता है कि उसे ऐसे चीजें संभाल कर रखने में अच्छा लगता है ताकि वो उन दिनों की याद दिला सके। जब रेनु ये सुनती है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उदय ने अनु के सैंडल भी इसीलिए रखे थे ताकि वो उसे याद कर सके। इसी बात पर उसके और उदय के बीच में झगड़ा हो जाता है और उदय वहां से चला जाता है। अगले दिन जब उदय हॉस्पिटल में था तो रेनु हॉस्पिटल जाकर उससे माफी मांग लेती है और उदय भी उसे माफ कर देता है। रेनु ने माफी तो मांग ली थी, लेकिन सैंडल वाली बात अभी उसके मन से गई नहीं थी। तभी संडे के दिन उदय और रेनु के मम्मी पापा उनके यहाँ लंच के लिए आते हैं। सब लोग मिलकर लंच करते हैं और दोनों की फैमिली चाहती है कि वो दोनों अब शादी कर लें, लेकिन उदय और रेनु ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो दोनों इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे। लेकिन रेनु अब हिल्स की वजह से काफी इनसिक्योर हो गई थी, इसलिए वो चाहती है कि वो दोनों शादी कर लें। और ये बात सुनकर उदय थोड़ा सा नाराज होता है। उदय कहता है कि उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो दोनों इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे, लेकिन रेनु कहती है
कि शायद उदय अभी भी अनु को मिस करता है, इसलिए वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहता। अब इस बात पर फिर से दोनों में झगड़ा हो जाता है और रेनू डिसाइड करती है कि वो कुछ दिनों के लिए उदय से दूर रहेगी, इसलिए वो अपने मम्मी पापा के घर शिफ्ट हो जाती है। कुछ दिनों तक दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं करते। दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। एक दिन जब रेनू मंदिर गई थी तभी वहां पर उदय आता है और रेनू से सॉरी कहता है, और रेनू से कहता है कि उसने वो सैंडल्स फेंक दिए हैं। और ये सुनकर रेनू बहुत खुश होती है और दोनों फिर से साथ हो जाते हैं। जब अगले दिन दोनों कॉफी पी रहे थे तो रेनू उदय से पूछती है कि और कुछ चीज है जो उसने संभल कर रखी है। उदय कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है सिवाय इस कॉफी मशीन के। और ये सुनने के बाद रेनू फिर से गुस्सा हो जाती है और यही पर ये दूसरी स्टोरी एंड हो जाती है। तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है रोहन नाम के लड़के से जो एक काफी बड़ी कंपनी का सीईओ था। रोहन अपने स्टाफ को बता रहा था कि किस तरह उन्हें बिना बहाने दिए काम करना चाहिए तभी वो लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तभी रोहन से मिलने उसका एक फ्रेंड सतीश आता है। आज सतीश का बर्थडे था और सतीश रोहन को कहीं चलने के लिए कहता है, जहां पर आने से रोहन मना कर रहा था लेकिन सतीश का बर्थडे था इसलिए उसे मानना पड़ता है। जिसके बाद रोहन सतीश के साथ एक अनाथ आश्रम चला जाता है। वहां पर जाते हुए रोहन काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था। जैसे ही वो उस ऑर्फनेज में जाता है वो और ज्यादा इमोशनल हो जाता है और हमें रोहन के पास्ट के बारे में पता चलता है। रोहन जब छोटा था तो उसका नाम रामलू था जो अपनी दादी और बहन के साथ रहता था। वो तीनों काफी गरीब थे और रोहन के मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी इसलिए उनके पास उनकी दादी ही उनका आखिरी सहारा थी। दादी दूसरों के घर में काम करने जाती और वहां से जो पैसे मिलते उससे घर चलाया करती थी। लेकिन दादी की अब उम्र हो गई थी इसलिए उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। उन्हें टीबी हो गया था लेकिन इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फिर भी दादी अपने दोनों बच्चों के साथ काफी खुश थी। वो रोज रात को उन दोनों को कहानियां सुनाती जिन्हें सुनने में रोहन को बहुत मजा आता। एक दिन जब रोहन की बहन क्रिकेट खेल रही थी तभी बॉल रस्ते पर चला जाता है। जिसे लेने वो जाती है तभी उसका एक्सीडेंट होता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब पोती को खोने के बाद दादी काफी दुखी थी लेकिन उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी इसलिए वो एक दिन रोहन से कहती है कि वो उसके लिए उसका फेवरेट डोसा बनाएगी। एक्चुअली रोहन को डोसा बहुत ज्यादा पसंद था। वो रोहन को डोसा खिलाती है जिससे वो काफी खुश हो गया था। जिसके बाद वो रोहन को लेकर एक ऑर्फनेज में आती है और रोहन का वहां पर एडमिशन करवाती है। रोहन को भी वो जगह बहुत पसंद आती है और वो दादी से कहता है कि वो रोज यहाँ पर आएगा। तब उसे दादी बताती है कि अब वो यहीं पर रहेगा। ये बोलकर दादी वहां से चली जाती है। रोहन उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन दादी उसकी बात नहीं सुनती। कुछ दिनों बाद एक कपल आता है जो रोहन को अडॉप्ट कर लेता है। रोहन जैसा रहना चाहता था अब सब कुछ उसे मिल गया था, जैसे कि बड़ा घर, रोज डोसा खाने को, लेकिन उसकी दादी उसके साथ नहीं थी और इस बात का रोहन को हमेशा अफसोस रहा। आज रोहन इतने सालों बाद उसी ऑर्फनेज में आ गया था। वो उस जगह को देखने लगता है जहाँ पर उसकी दादी उसे छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद रोहन ऑर्फनेज के बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट देता है। जिसके बाद वो देखता है कि ऑर्फनेज में क्या क्या जरूरत है और वो डिसाइड करता है कि यहाँ की जो भी जरूरत होगी उसके लिए वो पैसे प्रोवाइड करेगा ताकि वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो खुश रहें और जिंदगी में आगे बढ़ सकें। और इसी के साथ तीसरी स्टोरी एंड होती है। इसके आगे वाली तीन स्टोरीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।